this of convergence of the power series, this summation n plus 1 divided by n whole square, sorry, whole the power n square x raised to the power n. तो ये जो पावर सीरीज है इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है. देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, कोई हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, या उससे भी हम थोड़ा आइडिया चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा. तो यहाँ पर सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करी गई है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, वन अपॉन आर इक्वल टू लिमिट यू एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन, ये हम यूज करेंगे. तो लिमिट अगर मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है समेसन यू एन एक्स रेज टू द पावर एन, तो तब हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वन अपॉन आर इक्वल टू लिमिट यू एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन. तो यहाँ पर हम यही फैक्ट यूज करेंगे. तो लिमिट यू एन क्या है, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन रेज टू द पावर, यहाँ पर एन स्क्वेयर और है एन स्क्वेयर, और होल द पावर वन अपॉन एन. पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एन स्क्वेयर अपॉन एन, यानी कि यहाँ से एन आएगा, तो ये आएगा आपका लिमिट एन प्लस टू, या यहाँ पर अभी ऐसे रहने दीजिए चलिए, और ये आपका मिला एन. यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या मिलता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये चल रहा है. यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देखें वन प्लस टू बाय एन रेज टू द पावर एन. अब देखिए अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पर ये जीरो हो जाता है, यानी कि वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का आता है. वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और जब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस टाइप से आए और यहाँ पर जो है यानी कि से टाइम्स एफ एक्स वन प्लस और ये आपका जी एक्स ओ, और ये फॉर्म किस फॉर्मेट में आए, वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है, ये होता है सी इंटू जी एक्स इंटू एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है वन अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ एक्स, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू एन इंटू वन अपॉन एन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका e रेज टू द पावर, सॉरी मैंने यहाँ पर ये भूल गया, e रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पर इसका जो लिमिट होगा होगा e रेज टू द पावर 2, डायरेक्ट आप यूज करेंगे. और ये चल रहा है हमारा 1 अपॉन r इक्वल टू e रेज टू द पावर 2, तो r क्या हो जाएगा 1 अपॉन e स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वन अपॉन ए स्क्वेयर ऑप्शन डी है. बाय मिस्टेक आप वन अपॉन आर का जो वैल्यू था वो आया था वन अपॉन ए स्क्वेयर यहाँ पर, तो ये मिस्टेक आप ना कर दें कि आप डायरेक्ट जो आया उसी को यूज कर लें, उस हिसाब से आप ऑप्शन ए टिक कर जाएंगे, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वन अपॉन ए स्क्वेयर है, तो जो वन अपॉन आर की वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकल भी करना है, ये याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसी फैक्ट में, मतलब उनको क्वेश्चन आने के बावजूद भी वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाते हैं.